अभी दाह संस्कार किया है। संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच में एक आम सहमति बन गई थी। खंडेला में गमगीन माहौल में हुआ श्री हंसराज मावलिया जी का अंतिम संस्कार। आप देख रहे हैं राज न्यूज केडीएल और मैं हूं निधि आपके साथ। जी हां दोस्तों, मावलिया जी का अंतिम संस्कार आज हुआ है। भगत सिंह को अपना आदर्श मानते थे वकील जी। इनकलाब जिंदाबाद के नारों से शमशान घाट गुंजायमान हो उठा है। प्रशासन से सहमति बनने के बाद आज चौथे दिन अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व विधायक अमरा राम, पूर्व चिकित्सा मंत्री बंशीधर बाजिया, कांग्रेस नेता सुभाष भील सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शव यात्रा में पहुंचे। आप जुड़े रहिए राज न्यूज केडीएल के साथ। नमस्कार। अर्पित करने के लिए सबसे पहले अमरा राम को आमंत्रित करता हूँ। थोड़ा साइड में जाओ, साइड में आमंत्रित करता हूँ। और श्री मधुपुर बार की तरफ से बात भी दे दो। बाबूलाल जी और सब साथी जी सभी की तरफ से हनुमान जी नाम शहीद साथी हंसराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथी हंसराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हंसराज तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। साथी हंसराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथी हंसराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथी हंसराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हंसराज तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। साथी हंसराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथी हंसराज अमर रहे, अमर रहे। संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच में एक आम सहमति बन गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे साथी भाई हंसराज जी का अंतिम संस्कार हम लोगों ने मिलकर कर दिया है। शहीद साथी हंसराज मावलिया का अंतिम संस्कार कभी हुआ है और इस साथी को न्याय दिलाने में जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा था, तमाम उन साथियों को जिन्होंने तन से मन से धन से और विशेष तौर से पूरे राजस्थान के अधिवक्तागणों को भी उनके संघों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इस भ्रष्टाचार की गंगा के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति, ये आज़ादी के 75 साल में पहला मौका है एक अधिवक्ता न्यायालय में इसके खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी है। और वो शख्स था जिसने आखिरी सांस तक भी आहार नहीं निकाली, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं और हम यही अभी दाह संस्कार किया है। मेरा सभी से यही निवेदन है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई की जो प्राणों की आहुति दी है, इसके खिलाफ इस जंग को आगे बढ़ाएंगे और शहीद साथी हंसराज मावलिया के सपनों को साकार। सर आप बताना चाहिए कौन कौन सी मांग मान ली गई है? मांग जितने भी थी, सबसे पहली तो है उनको सस्पेंड किया है और न्यायिक जांच होगी और निश्चित रूप से परिवार को, हंसराज के परिवार को एक सदस्य को नौकरी मिलेगी सरकारी 40 लाख रुपया और एक अधिवक्ता साथी उस दिन घायल था उसको 5 लाख रुपये और जितने केस दर्ज हुए हैं उदयपुर में, राजस्थान गाँव में इस आंदोलन को लेकर वो आदेश। और एक जो केस SDM ने साथी हंसराज और बाकी वकीलों के खिलाफ लगाया था उसको भी समाप्त करें। भ्रष्टाचार के खिलाफ मतलब आपकी कुर्बानी दी, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।